दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक इंडिया जोन में। दोस्तों मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से Flipkart का ID को लॉग आउट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग Flipkart का यूज करना नहीं चाहते हैं, तब चाहते हैं कि इस ID को हम लॉग आउट करना, तो नहीं आता है लॉग आउट करने है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते तो आज की इस वीडियो को देखिएगा और सीखिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि चैनल पर नए हो तो आपको जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके, साथ ही उस घंटी वाला आइकन पर क्लिक करके ऑल पेज सेलेक्ट करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको अपना Flipkart एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने अपना एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद आपको सिंपली से आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इस वाला प्रोफाइल वाला ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद सिंपली से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे परमिशन मांगा जा रहा है, आप यहाँ पे डिवाइस से लॉग आउट करना चाहते हैं कि यहाँ हर जगह से। तो आप लॉग आउट करने के लिए आपको सिंपली सा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक किया हूँ तो देख सकते कि मेरा लॉग आउट हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते कि मेरा यहाँ पे नाम हट चुका है। दोस्तों आप लोग कुछ इस तरह से अपना Flipkart को लॉग आउट कर सकते हैं। तो कितना आसान है लॉग आउट करना, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग सीख लिए हैं। तो सीख लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आप सभी से हम अगले वीडियो में।